एक्शन। माँ। अरे हैरी। मजट्टी अमला पगल दीवाना माँ। माँ, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ माँ। ऐ, माँ के पहुँचू। ऐ पहुँचू। अरे जीती रहो जीती रहो। अजी सुनते हो जी? जरा जल्दी आइए ना। अपना हैरी आया है। फिर आ गया? मैं तो समझा पुलिस ने पकड़ लिया होगा, किसी जेल में सड़ रहा होगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कई तूफान है माँ। ये कौन है? देखिए ना, किसी चांद जैसी बहू लाया हमारा हैरी। बहू? बेटी पैर छू अपने ससुर के। ये हादसा कब हुआ हीरालाल? मैं हीरालाल नहीं, हैरी हूँ बाबा। चल, तेरा नाम क्या है बेटी? अपना नाम बताओ बेटी। अब्बा डब्बा चब्बा। मैंने सिर्फ तेरा नाम पूछा, तेरे खानदान का नहीं। अब्बा डब्बा चब्बा। ये किस टाइप का नाम है? ये नए टाइप का नाम है बाबा। इसको पी डालूंगा। आप छोड़िए ना। आजा बहू आजा, तू मेरे साथ चल। आजा शाबाश बाबा। Shababa, 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 shababa. ऐसे हंसने की क्या बात है? ये क्या भेष बना रखा है? What what? अरे ये क्या भेष बना रखा है? वही तो, अब हम बड़े पैसे वाले लोग हैं ना? बिल्कुल ठीक कहा। मेरी बेटी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है ना, ऐसा लगता है लक्ष्मी देवी मॉडर्न ड्रेस पर कर साक्षात धरती पे नीचे उतर आई है। लक्ष्मी देवी, वो भी बाल कटी हुई। दरअसल ये सारी लक्ष्मी जिसकी है उसे देखो, अपनी सादगी में कितनी सुंदर लग रही है। तुमने फिर इसका और उसका शुरू कर दिया। जब इन दोनों में तेरा और मेरा नहीं है तो फिर इसका और उसका कहां से आया? बाबूजी आइए ना, आइए माँ। मम्मी पहले घूम के सारा बंगला देख लो और ऊपर आके खाना खा लो। ओके। खाना तो बेटी हम घर से खा कर ही आए थे, बस तुम सबको देख लिया हो गया। और मकान का क्या, चाहे बड़ा हो या छोटा, होता तो ईंट पत्थर का ही ना। चलिए थोड़ा खाना तो। चलिए चलिए। मम्मी। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ, मेरा खाना उधार है तुझ पे। वेट वेट वेट, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? मम्मी मम्मी ये तो हमारे पुराने घर का सामान है। नो 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 नो, नए बंगले में पुराना टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस। सब दीदी ये सब मैंने मंगवाया है। Why? सारी चीजें नहीं है, बस कुछ खास खास। मगर ये दीदी सब... राज ने बड़े प्यार से खरीदी थी तो उनका मन नहीं कर रहा था फेंकने को, इसलिए। ओह गॉड, ठीक है तो नीचे ही रखवा लो। मुझे तो यहाँ सब नया और फैंसी दिखना चाहिए। अरे भैया सुनिए, यहाँ लाइए नीचे मेरे कमरे में, आइए। जी अच्छा। काजल। ओह आओ निशा आओ। जिमी को 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 को। देख लो, एक दिन जिस बंगले को मैंने अपना बताया था और तुमने अपना, आखिर वो मेरा ही हो गया ना। ये सारा फर्नीचर साज सजावट सब कुछ नया खरीदा है। बोलो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजदूर लोग मेरा बाकी का सब सामान तो यहां से ले गए थे, लेकिन मेरे पति की तस्वीर यहां रह गई है, मैं वो खुद लेने आई हूं। ओह ओके। एक्सक्यूज मी निशा, याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो वरना जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। वैसे तो खैर कुछ हुआ नहीं, उल्टा ऐसे लॉटरी लगी मेरी कि अब मैं तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हूं। नहीं काजल, मैंने अपने बीमार पति की जान बचाने के लिए बंगला बेचा है, और तुमने?
अपने पति को बीच के बंगला खरीदा है। अब तो तुम मुझसे और भी ज्यादा गरीब हो गई हो। काजल, ये क्या? मैं तो पागल हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, गहने साड़ियाँ बच्चों के कपड़े सब कुछ खरीद लिया, फिर भी इतने रुपए बच गए। तुमने मेरी जगह नोट बिछा रखे हैं काजल। इतने सारे नोटों की गड्डियाँ देखकर तुम्हें ऐसे नहीं लगता जैसे हम कोई सपना देख रहे हो? मुझे जागती आंखों से सपने देखने की आदत नहीं है। हटाओ ना मुझे सोना। अरे नहीं नहीं नहीं, आज तुम कहीं और जाके सो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। आई मेरी अकल, आज तो तुम्हें जानवी के कमरे में जाना है, चलो। किस लिए? वही तो, जैसे तुम कुछ नहीं जानते, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो 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 नीचे जाओ। क्या बकवास कर रही हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पाजी वाह, ताकि लोग ये कहें कि उस बेचारी भोली वाली लड़की को ठग लिया मैंने। अरे काजल तुम होश में तो हो? तुमने वादा किया तो जो मैं कहूंगी वो करोगे। काजल खूब भेज रही हूँ। हाय मेरे नोटों की गड्डियां। देखिए तो कैसे मुंह फुला के खड़े हैं। थोड़ा मुस्कुराइए जनाब, मुस्कुराने से सेहत अच्छी रहती है। क्या तुमने मुस्कुराने की भी कीमत चुकाई है? बहुत गुस्से में है। चीजों को गुस्सा वुस्सा नहीं आता। आपको चीज किसने कहा? कहना क्या है, एक ने बेच दिया दूसरे ने खरीद लिया, चीज ही तो हूं। ऐसा मत कहिए प्लीज, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूं। अच्छा, तो इसलिए 2 करोड़ रुपए कीमत चुकाई मेरी इज्जत की। तो अब बाकी चीजों के भाव भी तय कर लेते। मुस्कुराने का कितना रुपए दोगी? अगर तुम्हें सीने से लगा लूं तो कितना दोगी? 3 करोड़, 5 करोड़? और अगर तुम्हें यहां से ले जाकर बेडरूम में बिस्तर पर ले जाकर? मैंने सचमुच आपसे प्यार किया, आपको अपना लेने का जो भी तरीका मैंने सही समझा मैंने वो अपना लिया। हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, लेकिन अग्नि के गिर आपके साथ जो फेरे मैंने लिए थे वो झूठ नहीं थे। ये मंगलसूत्र जो आपने मुझे पहना वो झूठ नहीं है। मजबूरी में डाला है। अगर बेईमानी करके घूस लेके लाखों करोड़ों रुपए कमाता तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता, जबकि इस बेईमानी में सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ मैं बिका हूं। लेकिन तुम भी कोई फायदे में नहीं हो, बहुत घाटे का सौदा किया है तुमने। मुझे खरीद कर तुमने सिर्फ आंसू खरीदे हैं। अब बैठकर गिनो कितने में एक पड़ा। सत्यानाश, खाली कर दिया ना मेरा डब्बा। बाबा डब्बा जब्बा। अरे तू 2 मरता डब्बा बोलिया, डब्बे की दुकान खोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आने वाला। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बाबा डब्बा जब्बा। अरे क्या डब्बा डब्बा कर रही है? ये पूछ रही है कि हैरी कहाँ है। सत्यानाश एक मिनट। शांति से नहाने भी नहीं देते। शांति? मेरी बीवी ने मेरे भेजे में क्रांति पैदा कर। ओके। अरे तू एक नमूना क्या कम था जिसको भी साथ में उठा के ले आया? इसको यहाँ से लेके जा मेरे बाप। चल बहु, चल तू। पिताजी एक मजलूम गूंग के ससुर को ये बर्ताव शोभा नहीं देता। ओके। या। एक बार इसका ससुर मुझे मिल जाए तो फिर मैं बताऊंगा कि मुझे। हाय मैं काजल बोल रही हूँ,
मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आपने क्या पहना है? अच्छा, और क्या हो रहा है? अच्छा, मार्केट में पहली बार ये कार आई है। ठीक है, ये भी खरीद लूंगी। मिसेस गोयल, आप भी मिडिल क्लास वालों की तरह बात करिए। हमें तैयार कर दो ना। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। क्या नहीं, कुछ सुना नहीं, तेरे मोबाइल से बात करो ना, लाइन क्लियर नहीं है। एक मिनट, क्या बात है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। हमें स्कूल जाना है, तैयार कर दो ना। कार क्यों भेजो? अरे बच्चों और आज के काम आएगा ना, उनके लिए भी तो गाड़ी चाहिए। मम्मी मम्मी बात करो ना। एक मिनट, सॉरी, क्या बात है, स्कूल जाना है, तैयार कर दो ना। विमला इधर आओ, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो। ले जाओ इन्हें। काजल, काजल इतनी भी क्या बिजी हो, बच्चों को तैयार कर दो ना। रोमी, प्रीति, आओ मैं तुम्हें तैयार कर देती। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, रहने देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लड़कों के कमरे में ब्लू कलर और लड़कियों के कमरे में पिंक कलर क्यों लगाते हैं? क्यों क्यों बताओ ना। ओके, क्योंकि लड़कों के नाम बिल होते हैं और लड़कियों के पिंकी। हम आपको किस नाम से बुलाएं? पापा की नई वाइफ बोलेंगे ना। चलो चलो, देर हो जाएगी। अच्छा अब जल्दी जल्दी बताओ, क्या तय किया तुम लोगों ने, क्या कह के बुलाओगे मुझे? हमने तय किया है कि हम तुम्हें माँ कह के बुलाएंगे। हाँ। माँ? देखिए। काजल, 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 मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नीचे आके टीका लगा दो। काजल, मिसेस झुनझुनवाला के बाल देखे थे, कितने लंबे थे यार। अरे काहे के लंबे बाल, वो तो विक थी। तुम्हें कैसे पता? उस दिन पार्टी में मेरा हाथ चला गया और उसकी विक मेरे हाथ में आ गई। ओह माय गॉड। काजल, काजल मुझे देर हो रही है। ये भी कुमकुम है और मैं भी आपकी पत्नी हूँ। पापा पापा, ये देखो, माँ ने हमारे लिए स्कूल का टिफिन भी भर के दिया है, और ये लो आपका टिफिन। थैंक यू। मेंशन नॉट। पापा पापा जल्दी चलो, वरना हमारी स्कूल की बस छूट जाएगी। चलो। सुनो जी, बस में क्यों जाओगी तुम लोग, अपनी बड़ी वाली कार ले जाओ। पैसे तुमने कमाए, मैंने नहीं। चलो बेटा। भाई साहब, ये जरा एड्रेस बताइए। भाई साहब, ये पता बता सकते हैं आप? आपकी शादी हुई है? हाँ हुई है। आपकी बीवी कैसी है? अच्छी है, इसीलिए तो शादी की है। घर में बच्चे हैं? नहीं है। घर में टीवी है? हाँ है। चलता है? जी टीवी है। स्टार कनेक्शन है? हाँ है। केबल है? कितना पिक्चर दिखाते हैं? दो पिक्चर बताते हैं। तीन क्यों नहीं दिखाते? अरे तीन नहीं बताते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट की कलर है? ब्लैक एंड व्हाइट है। तो कलर क्यों नहीं लिया? अरे मेरी मर्जी की बात है। कौन है? आपकी मर्जी से मतलब? अरे ये कौन है भाई आप? तुम कौन हो? मैं भूल गया हूँ। घर में बिल्ली है? नहीं है। कुत्ता है? है। चारपाई पे खटमल है? नहीं है। दीवार पे चिपकली है? है। नारे की मादा है? ठीक से देखा नहीं हूँ।